Oh. अरे अरे भैया चलिए। अरे उल्टे होके लेटिए, इंजेक्शन पीछे लगेगा। चलिए भाई साहब, देखिए एक मिनट मेरी बात सुनो। सब लोगों ने चुपचाप इंजेक्शन लगवाया है, आप भी लगवा लो, नहीं तो आपका बिस्तर टॉयलेट के अंदर लगवा दूंगा। ऐसे कैसे लगवा दोगे साहब? मैं नहीं लगवा रहा भाई, क्लियर से बात। अरे ऐसे लगवाएगा मामा जी, इंजेक्शन वाली सेल्फी ले लो, ले लो। वेरी नाइस। अरे अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने खाना कहाँ से खाया था? राशन तो वो पिंटू लेके आई थी, वो नाले के बगल वाली दुकान से। सारे फसाद की जड़ यही है। अरे वहां पे मिलावट बहुत होता है। वैसे सेठ जी, एक बात पे ताज्जुब हो रहा, मैं सोच रहा था कि ऐसी हालत में तुम घर में बैठ के आराम करोगे, फिर भी तुम मालिश कराने आ गए। कैसी करो? हाँ दबा दूं? एक मिनट, छोटे छोटे एक मिनट। क्या हुआ? रुक, कुछ हुआ? हाँ, मेरे पेट में जो है कंफ्यूजन हो रखा है, सुन कहीं गलत फहमी में कुछ। अरे रुक जा, अभी तो सेठ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ढंग से कर, तेज कर, आ गया क्या प्रेशर? और इलायची कैसी है? अबे तेरे लिए जमाल गोने जैसी है। हाँ। रुक जा एक मिनट। आज नहीं, हटो। अरे पापा जल्दी से 200 रुपए दो, ट्यूशन जा रहे हैं। लो अभी 1500 रुपए दिए, उसका क्या किया तूने? 12 से 3 गोलचा चढ़ा दिए वहाँ। क्या पापा? वो मुझे सुनो को नई बुक्स देनी थी, उसमें खर्च हो गया, अभी जल्दी से दे दो 200 रुपए प्लीज। अंकल जी आपके बाल ना वाइट हो रहे हैं। हाँ भाई सेठ जी, क्या हो रही है? पूरे मार्केट में खबर फैल रखी है कि सेठ जी के पेट का वेल जो वो ढीला हो गया। क्या ये सच है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी, सब राशन वाले की मिलावट की वजह से हो रखा है। देखो है, जले पे नमक छिड़कने आ गए आप। अरे कोई एक्शन क्यों ना लेते दरोगा जी? देखिए लेंगे पिंकी जी, एक्शन लेंगे। देखो एक काम कीजिए सेठ जी, आप ना यहीं बैठो, पिंकी जी अभी जाते और दस्त रोकने का एक काढ़ा बना के ले आते, ठीक है? लो करवा लो करवाई इससे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप तो कार्रवाई करेंगे ना, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ना आप। नहीं छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पिंकी अंकल, ये आपके रहते हुए क्या हो रहा है? राशन वाले राशन में इतनी मिलावट करें कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने राशन का ठेका ले रखा है या मिलावट का ठेका ले रखा है। पता है ये राशन खाने से चांदनी चौक पे कितने लोग बीमार पड़े हैं? बिल्कुल सही, कल बेचारी पिंटू भाभी लोटा उठा उठा के हैं। क्या मेरा मतलब है, बाथरूम जा जाके थक गई। क्या पिंटू जी बीमार हो रखे? मंगी लाल, तूने अभी तक पिंकी जी को बताया क्यों नहीं कि पिंटू जी की तबीयत खराब है? यार ये क्या पता था? पिंकी अंकल, अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो चांदनी चौक में खिचड़ी के अलावा कोई और पकवान नहीं बनेगा, और पूरे चांदनी चौक की हवा में ना सिर्फ दवाइयों की बदबू होगी। क्या आप यही चाहते हैं? ना, इलायची ऐसा नहीं, पिंकी जी ये थोड़ी चाहेंगे। तुम देखती जाओ, चिंता मत करो, पिंकी जी के रहते इधर चांदनी चौक में ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पिंकी जी वो फूड इंस्पेक्टर को फोन करेंगे और ये सारी चोर बाजारी बंद करवाएंगे। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा पैसे? अरे अब ले लो पैसे। क्या हुआ? पैसे पैसे पैसे, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है इतना? यार रीलू, कल ना मैंने ना बड़ा अजीब सा सपना देखा। मेरे ना तीन तीन बच्चे थे। इसमें अजीब क्या है? अजीब तब होता है जब तेरे तीन तीन तोते होते हैं। यार ये लोग पूरी बात तो सुन ले। पता है मेरी ना नाइट्रोजन से शादी हो गई थी, और ना मैं ना
नतनी बन के ना रस्सी के ऊपर नाच रही थी और पिंटू नीचे बैठा ना हारमोनियम बजा रहा था और मेरे प्यारे से गोरे गोरे तीन बच्चे कटोरा पकड़ के भीख मांग रहे थे। ये तो भाई सच में अजीब है, सुनो सच्ची अजीब है ना, कह ही रही थी मैं। लेकिन इसलिए क्योंकि जब तू रस्सी पे नाच रही थी रस्सी नहीं टूटी। तुम करा रही हो हर वक्त सिर्फ मजाक मजाक, मैं तुझे बता रही हूँ ये ना हमारी खुद की गलती है जो हमारे ना बच्चों को भी सहना पड़ेगा। देख मैंने तो ना डिसाइड कर लिया अब से ना मैंने रोज पढ़ाई करा करनी है। मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ के माता रानी के सामने कहना माता रानी प्लीज मुझे पास कर दो प्लीज। अरे यार सर सर आप यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या हुआ, आज आप हमें कब्रिस्तान में ट्यूशन देने वाले हैं? अरे इलायची मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? ये पेंटिंग हा? ये पेंटिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पकड़ इसको और इसको अपने पास अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना क्योंकि अगर ये पेंटिंग किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। सुनो तुझे क्या लगता है कि इसके अंदर किसकी पेंटिंग होगी? यार रीलू मुझे ना पक्का यकीन है ये ना अपनी रेखा मैडम की पेंटिंग है। तूने देखा नहीं दोनों के दोनों लैब में घुस के पता नहीं कौन से केमिकल घोलते रहते हैं। तो फिर वेट किसका है? हटा दे रेखा मैम के चेहरे से घूंघट। यार ये क्या है, यहाँ तो रेखा मैम घास चुर रही है। इलू मुझे तो ना ये नहीं समझ आ रहा कि इस गधे में इतना खास क्या है जो सड़ने का है कि इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचा के रखना है। नहीं यार सुनू देख यार ये पेंटिंग ना बड़ी सिंबॉलिक है, ये जो गधा है ना ये हम दोनों है। अच्छा और घास क्या है इलू? सर का दिमाग जिसे हम रोज चढ़ने जाते हैं। लेकिन मैंने क्यों बोला कि इसको संभाल के रखो? ये पता नहीं, एक सेकेंड ये क्या है? सुनो लग रहा है इसके पीछे कुछ है, क्या करे? खोल के देखते ना ये लो। पक्का? हाँ ये क्या है? लाइट को भी अभी जाना था इलू। अरे यार क्या करूं? खोल छोड़ दे, खोल तू। ये क्या है? पता नहीं यार ये देख पेन ड्राइव भी है। लगा लगा अंदर लगा। अरे ये तो अपने सर है। इस केप को पहनने के बाद जो भी इसका बटन दबाएगा वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगा। ये सिल्वर रंग का केप मामूली केप नहीं है, ये केप स्पेशल मीटर मटेरियल से बना है। ये मीटर मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मोल्ड कर देता है जैसे कि रोशनी यानी कि लाइट। ऐसा होने से कोई भी चीज इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगी। पीलू इनविजिबल? दुनिया की कोई भी आंख उसे नहीं देख सकती लेकिन हाँ लाल रंग की रोशनी से इसका असर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। हैं? क्या करूं पहन के देख लूं? पता ना देख ले कर ले ट्राई। करती हूँ ट्राई करती हूँ।
करूं, बटन ऑन करूं कि नहीं? कर ले इलू, देखते क्या होता है। ओफो यार, ये खिड़की को भी अभी खोलना था। बारिश। इलू, इलू तू कहाँ गई? सुनो, देख मैं यहाँ हूँ। इलू तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या? हाँ, मतलब सच्ची में दिखाई नहीं दे रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अरे यार सुनो, मैं तो आईने में भी नहीं दिख रही हूँ। हाँ यार इलू, तू बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। रब्बा तो दिख रही है। हेलो, दिख रही हूँ। हाँ क्या बात कर रही है? मैं वापस से ट्राई करती हूँ। अरे यार नहीं, चुप कर और बताना कि आप दिख रही हो कि नहीं। हाँ हाँ तो गायब हो गई, तू नहीं दिख रही है। अभी बताती हूँ तुझे। जोर से मारा तूने। ये तो चश्मा ना लाल। हाँ? वो वीडियो में देखा था ना कि अगर ये लाल चश्मा पहनेंगे तो मैं देखूंगी। ट्राई करना, दिख रही हूँ क्या? हाँ ठीक है, ठीक है वापस ले। हाँ यार इलू, चल रुक जा एक सेकंड ना। रेडी है? देख इलू, तू ना अभी मुझे दिख रही है, ठीक है? तू बुद्धू है क्या? अब मैंने बटन भी ऑन नहीं किया है, कुछ भी बोलती है। ओह सॉरी। चल 1 2 3, तू नहीं दिख रही है, ठीक है इलू? हाँ इलू, आई कैन सी यू। पहले बता मैं क्या कर रही हूँ? तू ऐसे हाथ हिला रही है मेरी तरफ। क्या बात है, इसे गायब हो गई। इलू तो दिख रही है, क्या कर रही है इलू? नहीं दिख रही। ओह गॉड इलू, तो दिख रही है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है यार। बेटा इलू, तू ना लाल रंग से बच के रही हो, ठीक है? मैं तो लाल लाइट से बच के रहूंगी, लेकिन अब जीजा जी को मुझसे कौन बचाएगा? सोने देना यार। अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ सोने दे यार, मैं तेरी लुगाई ना हो रखा हूँ, इतनी टांग मेरे ऊपर रख रहा है। चाले, मेरे अंदर का मर्द अब भी जिंदा है। अबे यार तूने कोई गंदा अश्लील सपना देख लिया होगा, सोने दे यार, कल सुबह दुकान भी खोलनी है। दुकान खोलनी, मुझे भी बहुत काम करने होते हैं। तंग कर रहा है साला, रात को 12 बजे। चुप।
रहा ये, हाँ? क्या कर रहा, उंगली कर रहा, शर्म ना लग रही तुझे? हाँ? बस शर्म कर ले, बिल्ली भी ना सात घर छोड़ देती है और तू अपने दोस्त पे झपट्टा मार रहा था, गंदे इंसान। छी, तेरे साथ तो मुझे मारा क्यों? अबे ये तो सच है, मुझे लगा सपना है। अच्छा, सपने में ही मजे ले रहा है? उंगली देख पहले पूरी लाल हो रखी है, तेरे साथ तो सोने में भी डर लग रहा है, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा भाई। बकवास बंद कर यार, तेरे साथ ऐसी वैसी हरकत करने से पहले मैं किसी ट्रेन के आगे आके खुद ना जाऊं, मेरे अंदर भी मर जिंदा है समझा? और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो नीचे जाके सो जा, हट। अरे मैं क्यों नीचे सो जाऊं, मैं इसी सोऊंगा गद्दे पे, गद्दा तेरे बाप पे ना हो रखा है। देख पिंटू, बाप पे मत जा, मैं बता रहा हूं तेरे को। क्या बता रहा है, क्या कर लेगा तू बता? बताऊं? बता। यहीं पे युद्ध होगा आज रात में। युद्ध क्यों? तुम लोगों ने मेरे राशन कार्ड में नाम लिखवा लिया है क्या? है भाई, मेरे साथ खाना खाने बैठ गए, किसी दिन मेरे बिस्तर में भी घुस जाइयो कटबल की तरह। इलायची के पापा, इनके यहाँ गैस खत्म हो गई थी तो मैंने ही बुला लिया था खिचड़ी खाने के लिए। अरे इनकी तो आदत है, इनकी पापा मत करो, तुम आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ जैसे तूने समझ लिया है, तू बोल तो मैं बाहर जाकर किसी पेपल के पेड़ के नीचे लेट जाऊं, हैं? जितना कुछ आए बुला ले घर में। ओहो इलायची के पापा, कम से कम शांति से खाना तो खा लो, मेरे तो भाग ही फूट गए। इगी लग रही खिचड़ी, जाके लाल मिर्च का अचार ले आइयो, जा। पेट को आराम देने के लिए खिचड़ी बनाई है और तुम वो के पेट के अंदर ही तड़का लगाने में लगे हो, जो है चुपचाप खा लो। तूने जो अभी किया ना, इसका अच्छा था कारण बताइयो, बता रहा हूँ मैं तुझे। जेठ जी, वो पता नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ लिया और मतलब अरे सेठ जी कोई बात नहीं, माफ कर दो, ये तो कल से ऐसी बदमाशी दे रहे हैं। अब देखो कल रात सोए थे तो ऐसे चुटकी काट रहे थे और ना यहाँ वहाँ ऐसे बहुत बदमाशी दे रहे हैं जी। देख पंचम, अगर पिंटू के साथ ज्यादा ज्यादती की ना तो मैं तेरे साथ ना वो करूंगा, तो सोच। मेरे तो भाग्य फूट गए, मैं पराठा लेके आती हूँ।
Bye.